तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछली बार हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर 5 कर रहे थे। चैप्टर का नाम क्या था? क्लीनलीनेस, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? क्लीननेस। हम पढ़ चुके थे कि जो एक लड़की है राखी, वो राखी क्या करती है, अपने कमरे को साफ रखती है, ठीक है, बुक्स को बुक्स की जगह पे रखती है, और जो पढ़ाई करती है वो स्टडी टेबल पर ही करती है, और हर चीज़ को अगर खिलौने खेले हैं तो खिलौनों को वापस उसी जगह पे रखती है। फिर राखी की जो मॉम है वो घर को साफ सुथरा रखती है ताकि उसमें चूहे, मच्छर, मक्खी, ये सब कॉकरोचेस ना आए, क्लियर है। और राखी के पापा की वो हेल्प करती है, राखी जो है वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है संडेज को और हॉलीडेज को घर की साफ सफाई करने में, और राखी अपने पापा की भी हेल्प करती है गार्डन में, गार्डन के प्लांट्स को पानी देने में, ठीक है। और हम अपने घर की जो साफ सफाई है वो कुछ चीज़ों के साथ करते हैं, जैसे ये जो चीज़ है इसको बोला जाता है वैक्यूम क्लीनर, इसको क्या बोला जाता है? वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। ये जो है दिस इज नोन एज फिनाइल, ये जो है ये हमारा फिनाइल का बॉटल है, ठीक है। ये जो है मॉपिंग, ये क्या है? मॉपिंग है, मॉप करते हैं इसे हम, ठीक है। दिस इज नोन एज डस्टर, ये क्या है? हमारा डस्टर भाई, साफ करने के लिए। दिस इज ब्रूम, झाड़ू, ब्रूम, ठीक है, ये है झाड़ू। और ब्रश होता है, ब्रश तो सबने देखा होगा, ठीक है, तो ब्रश, ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम जो आगे पढ़ रहे थे, वी यूज द ब्रूम फॉर स्वीपिंग द फ्लोर, तो हम जो है ब्रूम का यूज़ करते हैं, झाड़ू लगाने का यूज़ करते हैं फ्लोर को क्लीन करने के लिए, फ्लोर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, वी यूज लॉन्ग ब्रूम फॉर क्लीनिंग द स्पाइडर वेब। अब देखो ये जो बड़ी सी झाड़ू दिख रही है, जिसके पीछे डंडा लगा रहता है, इस झाड़ू को हम यूज़ करते हैं जाले झाड़ने के लिए, छत के पास जैसे जाले लग जाते हैं उन जालों को झाड़ने के लिए वो ये वाला झाड़ू यूज़ करते हैं। वी यूज़ डस्टर फॉर डस्टिंग द फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज, ठीक है। तो डस्टर कपड़ा यूज़ करते हैं झाड़ने के लिए, ऐसे कपड़ा मार मार के झाड़ते हैं ना, तो ऐसे झाड़ते हैं। और क्या क्या चीज़ झाड़ते हैं? फर्नीचर जैसे चेयर, टेबल, ठीक है, सोफ़ा का जो हाथ रखने का होता है वो, टीवी को साफ़ करते हैं, अलमारी के ऊपर साफ़ करते हैं, ठीक है, दरवाजे साफ़ करते हैं, विंडोज़ की जाली साफ़ करते हैं, है ना, ये सभी साफ़ करते हैं, ठीक है। सो वी यूज़ मॉप टू वाइप द फ्लोर क्लीन, ठीक है। तो पोचा यूज़ करते हैं अपने फ्लोर को, अपने फर्श को अच्छा बनाने के लिए, है ना, तो और उसमें फिनाइल भी डालते हैं, और आजकल एक नई चीज़ आती है ना, लाइजॉल, लाइजॉल सब लोग डालते हैं ना कीटाणु मारने के लिए, ठीक है। वी यूज़ फिनाइल टू कीप अवर हाउस फ्री ऑफ जर्म्स, तो ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं? फिनाइल का यूज़ करते हैं अपने घर को साफ रखने के लिए। आजकल फिनाइल का काम, क्योंकि फिनाइल में बदबू थोड़ा ज़्यादा आता है, आजकल लाइजॉल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, तो लाइजॉल एंड फिनाइल सेम है ना। माई पेरेंट्स एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू हैव सच अ क्लीन टाइडी हाउस। अगर आपका घर अच्छा होगा, यहाँ तो राखी अपने बारे में बात करिए, पर आप बताओ अगर आपका घर अच्छा होगा तो आपको अच्छा लगेगा ना, आपको गर्व महसूस होगा कि आपका घर कितना सुंदर है। तो ऐसे ही राखी कह रही है कि राखी के मम्मी पापा को और राखी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड महसूस होता है जब उसका घर इतना साफ सुथरा और सुंदर दिखाई देता है। तो इतना क्लियर है? ओके बेटा, अब जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, चैप्टर की रीडिंग एक बार फिर से करेंगे, इससे आपकी रीडिंग हैबिट इनकलकेट होगी, ठीक है। तो और वो जितने भी आपको टफ वर्ड्स लगते हैं उनका वर्ड मीनिंग्स बुक के अंदर लिख लेंगे, ठीक है, नहीं समझ में आता है तो पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, टिल देन टेक केयर, बाय।